आपने किसको गरीब आदमी कहा? आपको। ऐसा है भैया कि मैं इतना अमीर हूँ कि मेरे आगे आपकी औकात एक भिखारी जैसी है। तो मतलब क्या एलन मस्क की औलाद है? नहीं, अपने बाप की औलाद हूँ। और इतना जानता हूँ कि तुम मनमोहन तिवारी मेरे सामने एक भिखारी हो। अरे पगलट, काहे इतना रायता फैला रहा है? नानी माँ, सॉरी, माफी चाहता हूँ आपसे, पर जब भी तिवारी भैया जैसे ऐरे गैरे नथु खैरे दो कौड़ी के इंसान मेरी गैरत को ललकारते हैं ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है नानी माँ, बहुत तकलीफ होती है। आई लाइक इट। भैया टमाटर मुझे दे दीजिए। कॉकरोच जल्दी जा। कॉकरोच के बाल वाला टमाटो सूप पीऊंगा। आई लाइक इट। हाय दिया। अम्मा जी, लड्डू के भैया, आप दोनों यहाँ रसोई में क्या कर रहे हैं? हम नाश्ता बना रहे थे। अम्मा जी, तो आप हमको बोल देती ना, हम आपके लिए बना देते हैं। अरे क्या जरूरत है, हमेशा तुम ही तो काम करती हो किचन में, अम्मा काम कर लेगी तो क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, हमरी अम्मा जी यहाँ एकदम आराम से रहना चाहिए, वो हमरे रहते यहाँ काम करे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा ठीक ठीक है, तो नाश्ता तुम ही बना दो, आमलेट बना दो। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। अम्मा, लगता है तुमने कबूतर को दाना ढंग से नहीं डाला है। अरे बहुत बढ़िया से डाले हैं, अभी देखना कबूतर आएगा और दाना खा के फंस जाएगा। हाय दिया, ये कौन सा कबूतर फंसने का बात कर रहे हैं? का है ना, गांव में हम अपने छत में जाल बिछाते हैं तो कबूतर वहां फंस जाते हैं। जाओ बगले वाले चाय लेके आओ। हमको पता था आप चाय के लिए भेजेंगे, ई लीजिए। एक काम करो पगली, दूध 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 ले आओ। पीना ही पिएंगे? नहीं, थोड़ा मूड बदल गया थोड़ा। ठीक बा, अभी लाते हैं। लेकिन भरभूति जी काहे नहीं आए अभी तक? अरे आते होंगे पगली, आते होंगे। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? अरे आइए आइए, तशरीफ रखिए जनाब, बात बताइए। इंसान को याद किया और इंसान हाजिर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने इंसान की आड़ में शैतान कहने की कोशिश की, ऐसा लग रहा है मुझे। अच्छा हुआ भरभूति जी आप आ गए, बिल्कुल टाइम पर आए हैं, काहे कि नाश्ता ही बनाने जा रहे थे। आप भी बता दीजिए क्या खाएंगे? भाई टमाटर और बेसन का चीला बना लो, हमारे लिए अच्छा लगेगा। क्या बात है, क्या बात है, टमाटर और बेसन का चीला हमारे लिए भी है। एक्चुअली मैं ना, और इनके लिए भी टमाटर और बेसन का चीला ही बना लो, चीले चीले बनेंगे, मजा आ जाएगा। ठीक बा, भाभी जो कुछ बनाएंगे लजीज ही बनाएंगे। क्या बात है, थैंक यू फॉर कॉम्प्रोमाइज। अभी जो आप कॉम्प्लीमेंट कहना चाह रहे हैं? सही पकड़े हैं, अभी बनाते हैं। हाय दिया, हम तो 2 किलो टमाटर कल ही मंगाए थे, कुछ बनाए भी नहीं। बेटू के भैया भी टमाटर नहीं खाते हैं ज्यादा, खत्म हो गए। सुनिए लड्डू के भैया, यहाँ आइए। आ रहे। अरे तेरी। दारोगा जी, मैं बेकसूर हूँ, मुझे प्लीज छोड़ दीजिए, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। जब से जो थानू संभालू है ना मैंने, चारो हर मुजरिम यही चची आती है, मैं बेकसूर हूँ, सारे फिल्म बना कर धर दी। अगर आपको कुछ खाना है तो 100-200 लीजिए और छोड़िए मुझे। हाउ डिस्गस्टिंग। सर ये इंसान आप जैसे बड़े निछावर खोर को इतनी मामूली रकम ऑफर करके आपका अपमान कर रहा है सर। Well said. तुम्हारा का तू ज्यादा ही मुनी चल रहा हूं। सॉरी दरोगा जी, मैं बेकसूर हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें इतनी मेहनत से पकड़ो काये है, फिर हमने अगर हमें तुम्हें सच छोड़ना ही हो तो इतने तुम्हें लायक काये होते। ये सही कही दरोगा जी, मैं बेकसूर हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। एक सेकंड, हमने तुम्हें सारे रंगे हाथों पकड़ो है, फिर हम करते भाई क्या छोड़ दें?
कई बार जो आंखों से देखा होता है ना वो भी झूठा होता है। चलो मान लिया हमने, दो मिनट की लाने, तुम बेकसूर हो, जब आपको सबूत का है। जिनके पास अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं होता तो क्या वो बेकसूर नहीं होते? क्यों नहीं होते, जरूर होते हैं। तिवारी जी देखिए, लोगों ने मुझे बंद कर दिया, प्लीज प्लीज मुझे छुड़वा दीजिए प्लीज। तुम्हें तो काय मर आए। हमने सुना है आपने एक बेगुनाह आदमी को कानून की बलि चढ़ा रखा है। तुम भैया विभूति की बात कर रहे हैं? जी तिवारी जी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे ये फंसा रहे, जबरदस्ती फंसा रहे। देखिए तिवारी जी, अन्नू के घर में गेस्ट आने वाले हैं और अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचा तो अन्नू की बहुत बेइज्जती हो जाएगी। यही से हमें चढ़ेगा आदमी से, जो आदमी की वजह से गोरी मैम की कई बार बेइज्जती भई गई। दरोगा जी इन्हें छोड़ दीजिए। तो कह रहे ना, नहीं छोड़ेंगे। अच्छा नहीं छोड़ेंगे। आप चिंता ना कीजिए, हम कानपुर का सबसे बड़ा वकील लेके आएंगे और आपको यहाँ से छोड़वाएंगे। तिवारी जी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भूलेंगे तो तब महाराज, जब हम बाप पर कोई एहसान करेंगे। चिंता मत कीजिए, हम अभी गए और अभी आए। जल्दी आइएगा तिवारी जी। दरोगा जी, एक कहावत है ना, का? कभी नाव गाड़ी पे कभी गाड़ी नाव पे। अब हमारा टाइम आने वाला है, लॉयर आएगा बड़ा वाला। अब अपनी खैर मनाइए। जो आदमी कहूं ना जाएगो खोका पे घुस जाएगो। जागी तो चाय बन गई हवालात में। चीयर्स। मैं पूछता हूँ, मुझे 3 दिन से क्यों रखा हुआ है यहाँ पे? मेरा जुर्म क्या है? ऐसो है, तुमने चल ला लो, अब हमारी सुनो। तुम्हें अपने अपने जाको अपने लौंडा की दावत में ना बुलाओ है, समझ रहे? जो पेल नहीं आए हो, आराम से पूछ रहे हो काय रोक लो। एहसान कर रहे कर रोक के तुम। तुमने सारे जुर्म करो है। मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। देखो मुझे फंसाया जा रहा है। तुम सबके गले में बलवंत राय ने अपना पट्टा डाल दिया। सर ये बलवंत राय कौन है? बलवंत राय कौन है? निरूपा राय तो सुनी है, बलवंत राय पता नहीं। बलवंत राय जुर्म की दुनिया का वो सौदागर है जिसने कानून के हर प्यादे को खरीद लिया है। अच्छा, अगर कोई अच्छे दाम देता है तो मैं बिकने के लिए तैयार हूं। मेरा फोन है, मुझे फोन दो। मेरा फोन नहीं, मेरा फोन है वो, मुझे पता है। घबराओ ना। तुम पहले देखो कौन को फोन है। सर कोई अन्ना बेबी है। अरे वो मेरी बीवी का फोन है, प्लीज गिव इट टू मी, मुझे फोन दीजिए प्लीज। आप अपनी बीवी को अन्ना कहते हो? देखिए पप्पू सिंह जी, मुझे मेरा फोन दीजिए, अगर मेरी बीवी को डाउट हो गया ना तो भाई गॉड बहुत बुरा होगा। टीदू का जी कह रहे कि तुम्हें लात मार के घर से बाहर निकाल देंगे। तुम कहो तो बता दें अन्ना बेबी को, हम मतलब सॉरी गोरी मैम को हम बता दें कि तुम्हारे हमने प्राण प्रिय पति को दबोच लो हुए मर्डर के जुर्म में बताएगा? नहीं प्लीज ऐसा मत करिए प्लीज। 2000 रुपया डीले करो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? काई? मैं तो जनजात ठल्ला नल्ला हूँ और फिर 3 दिन से हवालात में बंद हूँ, मेरे पास कहाँ से आएंगे 2000 रुपए? व्हाट आर यू टॉकिंग? तो फिर हम बताएं जा रहे हैं। प्लीज ऐसा मत, प्लीज नहीं। गोरी मैम हाय। हप्पू सिंह जी, विभू उधर है क्या आपके साथ? कही गोरी मैम, एक सेकंड गोरी मैम, इतना ही है। आपकी हम बात करा रहे, आप स्वयं उनसे बात करो। हेलो बेबी, व्हाट्सएप नहीं। पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हो? एक्चुअली क्या, मैं यहाँ पे पासपोर्ट रिन्यू के लिए मैंने भेज दिया था, तो वो इंक्वायरी करने आया था। कहाँ साइन करना सर? एक सेकंड। या बेबी चलिए। थैंक गॉड, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि हप्पू सिंह जी ने कहीं तुम्हें अरेस्ट तो नहीं कर दिया। नो। अच्छा सुनो, तुम्हें याद है ना मेरे गेस्ट आ रहे हैं, हम एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं, तो प्लीज कुछ दिनों के लिए ढंग से बिहेव करना, ऐसा कोई काम मत करना जिससे मेरा नुकसान हो, ये डील क्रैक ना हो और कुछ गड़बड़ हो जाए। प्लीज विभू, मेरे इज्जत की बैंड मत बजाना। डोंट वरी, आई विल बी देयर। ओके बाय।
यार जी प्लीज, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। यार आप हमारे पड़ोसी हैं, इसमें एहसान की क्या बात आ गई है? चले दरोगा जी। कहाँ जा रहे? क्या कहिए? कछु खाओगे पियोगे नहीं? नहीं रहने दीजिए। अरे कछु चाय पी लो। अरे वो आप भी तो आइए ना कभी। हम तो आते ही रहते हैं दादा, तुम आओ घर। तुम्हारी भाभी मतलब हमारी बीबी याद कर रही थी। अच्छा। लाला जू आते नहीं है। सुनो, गाजर को हलवा बहुत बढ़िया बनाती है हमारी लज्जू। आओ फिर घरे। अरे लौंडा बच्चा तो मैं ताऊ जी कहती हूँ। अच्छा, कभी आ रही? रविवार के दिन आते हैं। भूलियो ना। अरे यार काय भूलेंगे, रविवार को कितने बजे? 11-12 के बीच सुबह आ जाएंगे। शनिवार को याद दिलाएंगे? हाँ ठीक है, याद दिला दे। पक्को आइयो? अरे पक्को भाई, पक्का। तुम्हें हमारी कसम। अरे अब क्या दिल निकाल के धर दे। भूलियो ना। जरूर आएंगे, ठीक है। चलिए सुनो। मजा बहुत कमाल के आदमी हुआ। ऐसा क्या उसने डबल मीनिंग वाला जोक सुना दिया डॉक्टर, जो तू इतना हंस रहा है? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? हमारे ऐसे संस्कार नहीं है कि अश्लील जोक सुनाए। तू तो बहुत बड़ा शरीफ आदमी है, भैंस का दूध निकालने से भी शर्माता है। अरे अभी कुतरकी आदमी बहस ही नहीं करना चाहते। तू मुझसे बहस कर भी नहीं सकता है मास्टर। ए प्रेम चौधरी भूलो मत, तुम्हारी साली का लौंडा ना हमारे क्लास में पढ़ता है, इस बार एग्जाम में नील बटा सन्नाटा। मास्टर जी मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था और आपने मेरी मजाक को सीरियस ले लिया। हेलो मास्टर जी, डॉक्टर साहब और प्रेम जी। क्या हुआ भाभी जी? वो हम ही पूछ रहे हैं कि भरभूति जी को कहीं देखे का? नहीं भाभी जी, हमने तो विभूति भैया को नहीं देखा। कर भला तो हो भला, कहीं उस विभूति ने आपसे पैसे तो नहीं उधार ले लिए? नहीं, पैसे उधार नहीं लिए हैं। वो कहा है ना कि जिस दिन से हम उनको टमाटर लाने भेजे हैं, वो दिन से हमको नजर ही नहीं आ रहे हो। भाभी जी हमको ऐसा लगता है ना, वो आपके टमाटर के पैसे खाकर कहीं भाग गए। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। भाभी जी वो ऐसा कर सकता है, विभूतिया एक नंबर का घटिया आदमी है। हाँ। एक नंबर का लीचड़ भी है वो। उनके अंदर संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है। चुप कीजिए, कुछ भी बोले जा रहे हैं। इतने भी बुरे नाई हैं वो जितना आप लोग बोल रहे हैं उनके बारे में। कहना कि बस उनका एयर कंडीशन का छुप खराब चल रहा है। भाभी जी आप शायद कंडीशन कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। चलिए भाई भाई। ए भाई ए भाई ए भाई, कहाँ घुस चले आ रहे हो भाई? मोहनी के टाइम है, ये लो अपना पैसा, चलो जाओ यहाँ से अभी जाओ। मैं भिखारी नहीं हूँ भाई, मैं भी एक आम आदमी हूँ भाई। आम का तो नहीं पता, अलबत्ता चुसे हुए आम जरूर लग रहे हो मेरे को। मेरे बाल बना दो और मेरी दाढ़ी काट दो, शायद हालात को यही मंजूर है। नहीं भैया, नहीं, हालात को ये मंजूर नहीं था। तो फिर ये किसको मंजूर था? कुछ लोगों को ये मंजूर था कि आप जेल जाएं। किन लोगों को मंजूर था कि मैं जेल जाऊं? भैया आपके खिलाफ साजिश हुई है, इस कानून को तिवारी भैया जैसे भ्रष्ट लोगों के हाथों खरीदा गया है। अगर खरीदा तिवारी ने तो बेचा किसने? कानून के राशन की दुकान चलाने वाले दरोगा ने। और इस खरीद फरोख में कौन कौन शामिल था? लिस्ट काफी लंबी है भैया, टिल्लू मलखान हप्पू मनमोहन। इंसाफ पिक गया, ये कानून अंधा है, अंधा है ये कानून। और ये इंसाफ चंद अमीरों के हाथ की कठपुतली बन गया है, और ये इंसाफ तिवारी जैसे बेईमानों की गोद में खेलता है। गोदी इंसाफ, आई लाइक इट। बता सुनिए लड्डू के भैया अम्मा जी, हम तो भरभूति जी को हर जगह ढूंढ लिए, हर जगह देखा है, वो तो कहीं भी ना आए हैं। हाँ वो टमाटर लाने गए थे कि उगाने? अब अम्मा देखो, अगर उम्र कैद भी हुई तो कम से कम 50 साल तो जेल में रहेंगे। हाय दियो। और मर्डर का सजा कम से कम इतना तो होगा ही। हाय दियो, क्या बात कर रहे हैं आप लोग, हमरे कछु समझ नहीं आ रहा है। अम्मा लेकिन कई बार चाल चलन अच्छा हो तो सजा माफ भी हो जाती है। अच्छा
देखो हुआ है भरभूति जी को बताइए ना सीधे सीधे, ये सब क्या बात चल रहा है दोनों का। देखो पगली, बात ऐसी है कि हम बताते हुए हमें बड़ा खेद महसूस हो रहा है। भभूति जी दरअसल हमारे बीच नहीं रहे। अरे अरे, हमारे बीच मतलब यहाँ बीच में नहीं है, जेल में है। जेल में जेल में डाल दिए उनको। अरे वो मर्डर किया है ना, वो भी एक तो भिखारी का। नहीं नहीं नहीं, वो तो बहुत ही डरपोक है, वो ये मर्डर नहीं कर सकते हैं। मर्डर नहीं, मर्डर होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं, उन्हें बहुत डरपोक है, मक्खी भी नहीं मार सकते। अम्मा जी हम बोल रहे हैं ना आपको। हाँ, देखो बहुरिया कहा है ना, जो डरपोक आदमी होता है ना वही अपने बचाव में मर्डर कर देता है अक्सर। और फिर जेल में बैठ के मटर छीलते हैं। वहाँ मटर छिलवाते हैं जेल में। मटर के साथ साथ और भी बहुत कुछ छीलते हैं पगली। बैल तो निकालो तो हमारे साथ आओ। चलो चलो। हाय दिया, ये भरभूति जी खून कर दिया हमको, तो विश्वास ही नहीं हो रहा। जब आत में तो दम है। बिल्कुल, सिर्फ दम ही नहीं है बल्कि सीसीटीवी फुटेज भी। चीख चीख कर ये कह रही है कि हमारे क्लाइंट भभूति नारायण मिश्रा बेगुनाह है, इसलिए इन्हें बाइज्जत बरी किया जाए। ठहर जाओ, इतनी का चौकी में वकील बन जाओगी। देखें ले रही। अब छोड़ छोड़ाई भैया, खड़े खड़े देख रहे हो, जे आदमी मर रहा है, कुछ तो मदद कर दो। मेरी 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 मौत का जिम्मेदार ये गोरा चिट्टा। करेक्ट, जो पुलिस स्टेशन भैया तिवारी की दलीलें सुनने के बाद जो नतीजे पे पहुंचे हुए कि महाराज आप बिल्कुल बेगुनाह हो। मनोहर। यस सर। खोल दे। कैसे खोलू सर, रात को आप ही ने तो खत्म कर दी। इनके लट भैया विभूति का खोल। I'm sorry sir. सारे थे। खोल दो खोल दो, आ जाओ आ जाओ, बाहर आ जाओ। हाँ ठीक है, चलिए जाइए। वैसे यार तुम वो मेरा फोन दे दीजिए। तुम्हारा ही है जो। चलिए है, हम हैं अभी। दिया, कौन है आप? भाभी जी। हाय दिया, भरभूति जी आप? भाभी जी, आपने टमाटर मंगाए थे, टमाटर लाया हूँ। हमको नहीं चाहिए टमाटर। भाभी जी, ये आपके टमाटर है। नहीं, ये टमाटर में किसी मासूम का खून लगा है, इनसे खून टपक रहा है, आप खूनी हैं। नहीं भविष्य, नहीं 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 नहीं, मैं खूनी नहीं हूँ, मैं खूनी नहीं हूँ। मैंने कोई खून नहीं किया भविष्य, मैंने कोई खून नहीं किया। मैं तो वो घुन हूँ जो हालात की चक्की में पीस दिया गया हूँ। आप घुन है, कॉकरोच है कि कीड़े मकोड़े हैं, जाइए यहाँ से। जिसकी खातिर इश्क में हमने कई बार खाए हथौड़े, उसने आज हमारे मुँह पे कह दिया कीड़े मकोड़े। अक्का बोले। हम बोलेंगे नहीं, बस तन्हाई में रो लेंगे। गेट लस्ट तो जमाने भर में बिखरा हुआ भाभी जी, हम तो सिर्फ मोहब्बत की बात करते हैं। अक्का बोले। आप गेट लॉस्ट कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं, जाइए यहाँ से। प्रोजेक्ट के बारे में एक बार बात कर ले। ओ जी ऑफ कोर्स जी, व्हाई नॉट जी। देखिए जी, साड़ी कंपनी ने अभी तक 3 लाख बिजनेसमैन को फाइनेंस किया सी। ओ वाओ। सब के साथ हमारे बड़े अच्छे रिलेशन है जी। देखिए जी, कंपनी नहीं है लेकिन लोग बड़े ईमानदार हैं, बस सामने वाला बंदा अच्छा चाहते ने।
आई कैन अश्योर कि मेरी तरफ से आपको कभी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना होगा एंड आपको बहुत खुशी होगी ये जानकर कि मैं टाइम की बड़ी पाबंद हूँ। बहुत खुशी हुई मैडम जी कि तुसी भी ऐसा ही सोचते हो। क्या है ना, एक टाइम ही तो है जिसकी कद्र सबको करनी चाहिए, वरना क्या है ना मैडम जी, टाइम बदलने में टाइम नहीं लगता, है ना मैडम जी? I agree with you. ये प्रोजेक्ट है, ये इसकी रिपोर्ट है। ये प्रोजेक्ट जो है ये 25 एकड़ जमीन पे खड़ा होगा। ओ, जमीन देखी आपने? या एब्सोल्युटली। ग्रेट है जी, ग्रेट। खोल दो कानून की बंदी आंखें, जो मेरी बेगुनाही ना देख सके। मुझे लगता है यह कानून अंधा नहीं, यह कानून कठपुतली है। भैया मैं समझ सकता हूँ, भैया मैं समझ सकता हूँ। आई लाइक इट। कमबख्त, मुझे सहानुभूति दे रहा है या मेरी आहुति देने के मंसूबे बना रहा है? नहीं नहीं भैया, आहुति तो आपके नंग धड़ंग पिताजी हैं। मैं असल में आपको सहानुभूति दे रहा हूँ भैया। मैं जानता हूँ आपके साथ बहुत गलत हुआ है। सक्सेना जी, इंसाफ चंद चांदी के सिक्कों में बिक गया है। चंद चांदी के सिक्कों में नहीं भैया, लाखों के नोटों में बिक गया है। मतलब? मैं ये कहना चाह रहा हूँ भैया कि इंसाफ की तरकारी है थोड़ी महंगी मिलती है। सही कहा सक्सेना जी आपने, इंसाफ की मटर भी बहुत महंगी मिलती है, और वो हम गरीबों की पहुंच से बहुत दूर, बहुत दूर। ओए गरीब! चाचा तुम? अबे खाता तू? ये इंसाफ के रथ के पहिए के नीचे दबा वो अभिमन्यु है जिसने महाभारत नहीं देखी। यार मैं तेरी बीबी के पास गया था तेरे घर पे, सीधा लंदन से आके, और पता है तेरी बीबी मुझे क्या कह के दौड़ा देती है कि चाचा दो घंटे के बाद आना, तुझे फोन लगाया यार तेरा भी कुछ अता पता नहीं चल रहा। अनु आ गई? आ गई। मुझे अनु की जरूरत है, मुझे अनु के सहारे की जरूरत है। मैं अनु के पास जाऊंगा। अबे ओए, हम कौन है? सिर्फ सोने के अंडे देने वाला मुर्गा? अंडे तो मुर्गी देती है चाचा डेविड। लेकिन उसके लिए मुर्गे की भी तो जरूरत होती है। आई लाइक इट। यार तिवारी यार, तेरे पास और कोनो काम नहीं है, रोज एक नौटंकी लेके चले आते हैं। कहाँ नौटंकी है ये? नहीं नहीं श्रीमान, ये तो देखिए आपके प्रति हमारी अंध श्रद्धा है, हम तो हमेशा आपके पीठ पीछे भी आपकी तारीफ ही करते हैं। हाँ हाँ सच्ची खन्ना साहब, कहा है कि आपके पीठ पीछे लड्डू के भैया बहुत मिस करते हैं आपको। हमेशा ही बोलते हैं कि उल्लू का पट्ठा खन्ना का बच्चा कब अपनी जेब ढीली करेगा। ऐसा बोलते हैं? अरे नहीं, नहीं श्रीमान ऐसी बात नहीं है। क्या है कि वो दरअसल एक और खन्ना है, वो हमारे का दर्जी है, टेलर है, तो पीछे उसने हमारी जो है जेबें बहुत टाइट कर दी थी, तो हमने उससे कहा मिस्टर खन्ना कृपा करके हमारी जेब ढीली कर दो। जी ऐसे तुम तो लेकिन आप तो खरीदते हैं ना पैंट। चुप होएगा तोर बकवास, बोल लिए थे जो बोले का तो ही जी। अब जो हम बोले वह सुन जी। देख तोर टाइम का तुम्हें पता नहीं है जी, कैसन है, मोर टाइम कीमती है, धंधा के बात कर ले तो फिर निकलो। हाँ। जी आप हुक्म कीजिए बस और क्या। टिल्लू यार, शादी चाहे तेरी हो या मो की हो या टीका की हो, यार बात तो एक ही है गई यार। दो चार नाम और जोड़ ले। अबे बावले तेरे दिमाग से टिया गया है क्या है? टिल्लू तू तो यार दिल छोटो कर रहा है, बात उनको समझ यार, शादी करके तो रूसा घर में ही आएगी यार। रूसा को बावले कुत्ते ने ना काटा, जो महल छोड़ के हमारे साथ झोपड़ी में रहने को आ जाएगी। यार दहेज भी तो मिलेगो, दहेज। हाँ यार, हाँ। ये बात तो तू सही कह रही है। हाँ। यार मैंने सुना उसके बाप के पास 3 बंगले हैं और हम 3 कंगले हैं। ये बात तो है, लेकिन यार हाँ। शादी तो एक ही की होगी। हाँ। एक हाथ तो मिल ही जाएगा। हाँ यार सही कह रहा है यार। अरे अरे आइए 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 सर। हेलो हेलो सर। अरे अरे
How are you, my boy? Sir, I am fine, Hago. I am also fine, Hago, sir. Very good. दरअसल मैं आप लोगों से रूसा की शादी के बारे में एक बात करना चाहता हूँ. कमिश्नर साहब, एक का आप दो बातें करो रूसा के बारे में. वैसे आपको बात क्या करनी है सर? ये गंदा इंसाफ है, ये गंदा इंसाफ है, ये गंदा इंसाफ है, ये गंदा इंसाफ है. हेलो विभूतिलाल मिश्रा, हाउ आर यू? तो मैं कह रहा था कि ये गंदा इंसाफ है, ये गंदा इंसाफ है. तो मैं ये कह रहा था कि रूसा की शादी के बारे में अमीरों की मौसी, अमीरों की मौसी, ये गुंडों की सास है. सर कुछ और बात करते हैं सर. कुछ और बात करते हैं सर. हाँ, कोई और बात करते हैं सर जी. ठंडी कितनी है रही ना. जैसे जैसे मौसम बदलते रहेंगे रूसा की शादी की चिंता. ये गंदा इंसाफ है, ये गंदा इंसाफ है, ये गंदा इंसाफ है, ये गंदा इंसाफ है. अरे ये क्या लगा रखा है आपने, ये गंदा इंसाफ है, ये गंदा इंसाफ है. अरे कहना क्या चाहते हो? ये गंदा इंसाफ है, ये गंदा इंसाफ है. अरे आगे भी तो बढ़ो. ये गंदा इंसाफ है, ये गंदा इंसाफ है. अरे विभूति सेठ, हमारी शादी में बदतमीजी की मिर्ची क्यों घुसेड़ रहे हो? तुम यहाँ से चले जाओ ना. विभूति भैया, तुम्हारे हाथ जोड़ रहे, पैर पड़ रहे, अब मान जाओ. अमीरों की मौसे, अमीरों की मौसी, ये गुंडों की सास है. बाहर में जाओ सबके सब. शादी गई. विभूति सेठ, ये हमारे साथ कैसा इंसाफ है? अमीरों की मौसे, अमीरों की मौसी, ये गंडों की सास है. ये गंदा इंसाफ है, ये गंदा इंसाफ है. अरे बोरी मैया. बाप अभी छुट्टा नहीं है, प्लीज बाद में आओ. मैं विभू. What? What? विभू? तुम्हें क्या मैं वरुण धवन दिख रहा हूँ? What's with the दाढ़ी? दाढ़ी नहीं है, ये जख्म है जो उस दुनिया ने, इस समाज ने मुझे दिया. तुम्हारे जख्म, चोटें, खरोचें, जो भी है, तुम एक क्या? ये लो, जाओ अपनी मरम पट्टी करा लो एंड आज की रात TMT के साथ रह लेना. अच्छे से चैन से सोना. Have good sleep. लेकिन मैं TMT के साथ क्यों एडजस्ट करूंगा? मेरा अपना घर नहीं है क्या? Of course है, तुम्हारा अपना घर है, लेकिन What लेकिन? मेरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डील अब क्रैक होने वाली है, इन्वेस्टर अंदर है. तो अगर वो तुम्हें देख लेगा तो ऑब्वियसली माई डील वोंट क्रैक. ओ मैडम जी, कौन है जी, कितने रह गई? कुछ नहीं कुछ नहीं, बस एक भिखारी आया था, जाने का नाम नहीं ले रहा था. भिखारी. कॉल नहीं. पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर.